हेलो क्लास सिक्स, नाउ कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर डेसिमल, नाउ एक्सरसाइज 7C। देखिए 7C क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8 में आपको सिंपली ऐड करना है, डेसिमल में दिया हुआ है और ऐड करना है। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे इसको, कॉलम वाइज ऐड कर सकते हैं आप या जैसे दिया हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कॉपी में इसको कॉलम वाइज ऐड किए हैं। सबसे पहले 4.37 है जो क्वेश्चन है वो राइट डाउन कर लेंगे, इसके बाद इसको कॉलम वाइज नोट करेंगे। और याद रखिएगा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है, ठीक, तो वैसे ही नोट करेंगे। और जो 4.37 है तो 4.37 हो गया, 9.638 है तो 9.638, 17.007 है 17.007 एंड 6.8। अब देखिए जहां पे यहाँ 8 था तो यहाँ कुछ नहीं है तो वहां 0 लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं, तो 0 इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी 0 इंक्रीज हो गया। अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सिंपली आपको ऐसे ही ऐड करना है, कुछ करना नहीं है, बस ध्यान रखिएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए और डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो एकदम प्रॉपर प्लेस पे राइट करेंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ड्यूरिंग 3 डेज ऑफ वीक अ रिक्शा पुलर अर्न्स ₹32.60, ₹56.80 एंड ₹72 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, 3 डेज में एक रिक्शा पुलर जो है वो इतना कमाता है, 32, 56, 72। वॉट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दीज डेज, उसकी टोटल अर्निंग बताइए। देखिए जो स्टोरी प्रॉब्लम है 9 to 14 सभी में आपको ऐड ही करना है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, आप जानते हैं ऐड करना। तो स्टेटमेंट भी आप लिख ही लेंगे क्योंकि बहुत आसान है, समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के भी क्या करना है। तो सिंपली हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी टोटल अर्निंग क्या है इन दीज डेज, 3 डेज में कितनी अर्निंग हो गई। तो क्या करेंगे, सिंपली आप प्लस कर देंगे तीनों का, 1 day, 2 day, 3 day, तीनों दिन का प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना अर्न किया, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे सीधे, इनकम ऑफ 3 डेज कितना लिख दिया, सो हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दिस डेज, तो इस समय उसकी कितनी अर्निंग होगी तो ऐड कर देंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। रमेश कवर 36 किलोमीटर 235 मीटर बाई टैक्सी। 36 किलोमीटर 235 मीटर टैक्सी कवर करता है, टैक्सी से कवर करता है डिस्टेंस। फिर 4 किलोमीटर 85 मीटर रिक्शा से कवर करता है और 1 किलोमीटर 80 मीटर ऑन फुट यानी पैदल जाता है। वॉट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है टैक्सी से कितना गया वो लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी, डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा, डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, सबका राइट कर लेंगे। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम प्लस कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा किस तरीके से प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोग गड़बड़ा जाएंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। किलोमीटर का किलोमीटर के पास, मीटर का मीटर के पास। अब 36 किलोमीटर 235 मीटर, क्लियर। 4 किलोमीटर 85 मीटर है, याद रखना, ये मत यहां से मत लिख देना कि 85 यहां लिख दिए और यहां 0 हो गया, ना, गलत हो जाएगा। फिर है 1 किलोमीटर 80 मीटर, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे 85 आपके पास मीटर है और इसको अगर आप किलोमीटर इसमें चेंज करते हैं किलोमीटर में, क्योंकि अगर ये पूरा किलोमीटर में हो तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1230, तो 123 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आएगा 0.085 किलोमीटर। इसलिए 85 यहां से नहीं, 85 इधर से राइट करेंगे, क्लियर है। तो ये बहुत जरूरी था इसलिए इसी तरीके से राइट करिएगा। नेक्स्ट नंबर आते हैं 12 नंबर पे। अ बैग कंटेन्स 45 kg 80 ग्राम ऑफ शुगर, एक बैग में 45 kg 80 ग्राम शुगर है एंड द मास ऑफ द एम्पटी बैग इज 950 ग्राम, और खाली बैग का भी मास दिया हुआ है 950 ग्राम। वॉट इज द मास ऑफ द बैग कंटेनिंग दिस मच ऑफ शुगर, तो बताइए बैग और शुगर, ठीक है, बैग है, बैग का वेट दिया हुआ है, शुगर का वेट दिया हुआ है, तो कह रहे हैं शुगर को बैग में डाल देंगे तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है टोटल वेट। तो सिंपल है, टोटल वेट फाइंड करना है, प्लस कर देंगे, ठीक। 30 नंबर पे भी आते हैं, इसमें है रामू बॉट 2m70cm क्लोथ फॉर हिज शर्ट एंड 2m60cm क्लोथ फॉर हिज पजामास, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट बाय हिम। तो सिंपल समझ में आ रहा होगा यार, 2m70cm शर्ट के लिए है और 2m60cm जो है पजामा के लिए है, तो टोटल कितना लेंथ हुआ, तो इसको सिंपली इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। अब आइए यहाँ पे
14 नंबर पे राधिका बॉट 2 meter 5 centimeter क्लोथ फॉर हर सलवार, 2 meter 5 centimeter क्लोथ फॉर हर सलवार, 3 meter 35 centimeter क्लोथ फॉर हर शर्ट। ठीक है, अब देखिए फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर। सेम है जो 13 है वही 14 है, एक में रामू खरीद रहा है अपना कपड़ा, एक में राधिका खरीद रही है अपना कपड़ा, तो टोटल लेंथ रामू में पूछा था, टोटल लेंथ राधिका में पूछा है, तो जैसे ऊपर ऐड किए वैसे नीचे भी ऐड कर देंगे। ठीक है, 14 वाले नंबर में भी। तो ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 7 से ही बहुत सिंपल था, ऐड करना था सिर्फ, डेसिमल का एडिशन था, तो ये आप कर लेंगे बहुत ही आराम से अपने कॉपी में। ठीक है, तो यही आपका होमवर्क है, इसको पूरा सॉल्व करिएगा 1 to 14 एक्सरसाइज 7 से। थैंक यू।